जो होती है फ्ली लाइज ऑन रेट्स मतलब ऐसे तो बहुत सारे रोडेंट्स होते हैं पर रेट्स एक मेनली चीज़ है जिसके ऊपर ये फ्ली आपको मिलेगी और यही ज़्यादातर ट्रांसफर करती है ये वाली बैक्टीरिया ठीक है और इसी से होता है प्लेग तो सबसे ज़्यादा रेट्स में ही होता है तो स्पेशली रेट्स अभी लिखा है ठीक है ये सिम्टम्स होते हैं हमारा जो तो लिंफ नोट होना है वो सूझने लग जाते हैं लिंफ नोट जो होता है वो सूझने लग जाते हैं सोलन लिफ्ट नोड ठीक है इसमें फीवर चिल्स हेड एक मसल एक फिटिक ये सब होने लगता है स्पेशल है ना और जो मैंने बताया था ब्लैक डेथ होता है वो सेप्टिसेमिक जो फॉर्म होती है इसकी बुबोनिक सेप्टिसमिक और निमोनिक में से सेप्टिमिसेमिक जो होती है उससे होता है ब्लैक डेथ मतलब उससे क्या क्या होती है जो स्किन होती है वो ब्लैक कलर की हो जाती है इसलिए इसका नाम पड़ा था ब्लैक डेथ ठीक है इसलिए पड़ा था क्योंकि प्लेग देखो जब आई थी तो इससे पेंडेमिक कॉज कर दिया रहे जैसे कोरोना वायरस ने दिया है तो वैसे ही प्लेग ने भी पेंडेमिक कॉज करा था अप्रोक्स ट्वेंटी फाइव टू फिफ्टी मिलियन पॉपुलेशन की डेथ हो गई थी अप्रोक्स बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक ओनली ओके ठीक है तो यहाँ पे हम ऑप्शन देख लेते हैं फर्स्ट इज ट्रैकिंग एला तो फर्स्ट यहाँ पे जो दे रखा है ट्रैकिंग एलापैरेलेस ये कॉस्ट करता है ट्राइकिनियोसिस नियोसिस देखो इसमें क्या होता है ना जब भी कोई ह्यूमन अंडर कुक मीट खाता है अंडर कुक मीट होता है ना अगर आप अंडर कुक मीट खा रहे हो अंडर कुक मीट Is for this. इसमें क्या होता है वो अंडर कुक मीट में मिलेगा आपको अगर आप इसको खा लेते हो कंज्यूम लेते हो तो आपको ये वाली डिजीज हो सकती है टाइकिनियोस ये क्या होता है एक तरह का पैरासाइट है पैरासाइट ठीक है ये? तो ये तो गलत हो गया लेग यह नहीं वॉस करता ठीक है सेकेंड जो है हमारा सालमो नीला देखो सालमो ये जो होता है बैक्टीरिया है और ये क्या कॉस करता है बैक्टीरिया होता है और ये कॉज करता है सालमोनलोसिस ये कॉज करता है सालमो ठीक है ये जो बैक्टीरिया है साल्मोनोसिस कॉज करता है और इसमें मेन क्या होता है फूड बॉर्न चीज़ है फूड बॉर्न हिलने है ठीक है इसमें आपको डायरिया फीवर अपडोनल कैंप्स वगैरह आने लगता है तो ये वाला भी हमारा गलत हो गया तो ये तो फूड बॉर्न हिलने से और डायरिया फीवर करती है अपडाउन में पेन में भी करती है क्योंकि डायरिया होता है तो अपडोनल पेन तो होता ही है ठीक है थर्ड इज यासिना पेस्टिस हमने देखा यासिना पेस्टिस क्या करता है ब्लैक वेक करता है ये ब्लैक डेथ करता है और ये ट्रांसमिट कैसे होता है फ्ली की बाइट से ट्रांसमिट होता है जो कि मेनली होती है रोडेंट्स में उसमें भी सबसे स्पेशली होती है रेड्स के ऊपर ठीक है तो ये हमारा करेक्ट आंसर है लास्ट वन इज लीश मैनिया लास्ट वन इज लीश मैनिया देखो लीश मैनिया ने काला आजार करती है क्या करती है काला आजार करती है निशमेश और विस्ट्रल निशमिनेसिस बोलते हैं इसको ठीक है विस्ल निशमेश देखो विसरल वर्ड यहाँ पे हमने क्यों यूज़ करा है स्पेसिफिक चीज़ क्या होती है विसरल यहाँ पे क्यों यूज़ करा है क्योंकि ये आपकी स्प्लीन में और लीवर में इन्फेक्शन करता है ये ठीक है स्प्लीन और लिवर में इन्फेक्शन करता है क्या होता है कि एनलार्ज हो जाते हैं जब भी आप किसी को इस वाली चीज से देखोगे जिसको काला आजार है या फिर विस्ट्रल लिशमिनेसिस है तो उसका आपको पेट में मोस्टली सुझावा दिखेगा बहुत ज़्यादा एनलार्ज दिखेगा ठीक है कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द पार्ट ठीक है जो इसका वैक्टर होता है वो होती है फ्लाई कौन सी फ्लाई होती है इसके अंदर सेंड फ्लाइज सेंड फ्लाई ठीक है ये वाला इसका वैक्टर होती है तो लीच में दोनों मैनी क्या करेगा काला आजार करेगा जैसे विस्टर्न लिस्ट भी कहते हैं ठीक है थीके? सो ये वाला तुम्हारा गलत हो गया है ब्लैक डेथ तो नहीं करता है सो और आंसर बी सी ये पेस्टिस करता है ब्लैक वैसे ब्लैक डेथ भी बोला जाता है ठीक है एंड अ वेरी वेरी फेटल डिजीज इट वेरी वेल बेस्ट ऑफ लक